अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट अफेयर। जी हाँ बिल्कुल, फाइनली इलॉन मस्क ने ट्विटर को ख़रीद लिया है $44 बिलियन में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका ट्वीट, द बर्ड इज़ फ्रीड। जो इसका जो ट्विटर का जो परिंदा था, चिड़िया थी, जो एक लोगो है इनका, वो कह रहा अभी आज़ाद हो चुका है। ट्वीट किया है इलॉन मस्क ने। और आज के वक्त मैं ये कहूँगा कि टेस्ला, स्पेस एक्स और अब ट्विटर, तो इसके साथ यही कहा जा सकता है कि इलॉन मस्क जो हैं अभी तक दुनिया के सबसे अमीर तरीन और पावरफुल इंसान बन चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रोलिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है इलॉन मस्क की। उसने एक ट्वीट किया कि द बर्ड इज़ फ्रीड, और उसके रिप्लाई में दिया वो चुटकी बजाए और सारे उसके जो वर्कर हैं ट्विटर के, वो सारे ही हवा में उड़ गए। मतलब सब ने अपनी जॉब खो दी, जॉबलेस हो गए सारे। और इसी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी में है, लेकिन इलॉन मस्क इस वक्त को फुल एंजॉय कर रहे हैं। वो कह रहे हैं द बर्ड इज़ फ्रीड, लेकिन जो यूरोप के रहने वाले हैं वो कह रहे हैं कि इसी के ट्वीट में उन्होंने रीट्वीट किया है, इन यूरोप द वर्ल्ड विल फ्लाई बाय आवर यूरोपियन रूल्स। वो कह रहा है आपका बर्ड जो है वो अभी आज़ाद नहीं हुआ, ये हमारे मुल्क में जो हमारे ही रूल्स के मुताबिक उड़ेगा, जो हम कहेंगे वैसे ही इसको उड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आप ट्वीट देख सकते हैं थेरी ब्रिटन की, इन यूरोप द बर्ड विल फ्लाई बाय आवर यूरोपियन रूल्स। यहाँ पर ये आप यूरोपियन जो कंट्री उनका फ्लैग भी देख सकते हैं। इसके अलावा तो देखा जाए तो ये पिक्चर आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जी हाँ बिल्कुल, ट्विटर के जो मालिक है, जो अब ऑनर हैं, फाइनली जो ऑफिशियल ऑनर हैं, जो इलॉन मस्क, इसने आते ही ट्विटर के जो CEO हैं, जो इंडियन अमेरिकन थे, अग्रवाल, उसको फायर कर दिया है। और इसके साथ ये जो है विजय काड़े, इसको भी फायर कर दिया है, दोनों को फायर कर दिया है। अब इलॉन मस्क ने ट्विटर को संभालते ही मुख्तलिफ तरह के अजीबोगरीब से ट्वीट करना शुरू कर दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कॉमेडी इज़ नाउ लीगल ऑन ट्विटर। कॉमेडी अब खुल के करें ट्विटर पे, कोई मसला ही नहीं है, वो कह रहा है ट्विटर पे खुल के करें। और दूसरी ये बात कि उसने CEO को क्यों फायर किया है, जो है अग्रवाल साहब जो हैं उनको क्यों फायर कर दिया, वो ये वजह है कि 2019 की बात है, जब इलॉन मस्क ने उसे पूछा था कि ट्विटर पे बोट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसने कहा हाँ बोट्स हैं लेकिन कम है। इलॉन मस्क ने कहा कि बहुत ज़्यादा बोट्स हैं, बोट्स मतलब जो रिपोर्टिंग तौर पर ट्विटर को यूज़ कर रहे हैं और किसी के खिलाफ भी कर सकते हैं यूज़, तो उसी वजह से उसको अब फायर कर दिया गया है। और देख सकते हैं आप ट्वीट, कॉमेडी इज़ नाउ लीगल ऑन ट्विटर। ट्विटर पर आप कॉमेडी करें, दिल खोल के करें, जिसका जो दिल आता है वही करें। अब इसी के साथ जो ट्रंप हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें इससे बांध ली हैं इलॉन मस्क से, ये आके मेरा भी ट्विटर जो है वो वापस वो एक्टिव कर देगा और मैं भी ट्विटर यूज़ कर सकूँगा। और ट्रंप का मैं ये बता दूँ कि अब 2024 में, 2024 में दोबारा इलेक्शन होने हैं US में, तो उसके लिए वो दोबारा से भरपूर तैयारी करेंगे और यही उम्मीद की जा रही है कि वो जीत जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीम, जो मेटा है, जो फेसबुक है, जो इसी, यहाँ पर आप देख सके तीनों पीछे खड़े हैं। बहरहाल ये ज़बरदस्त मीम बनाई हुई है किसी ने, चले इस पर फिर बात करेंगे। तो दोस्तों ये थी अभी तक के लिए वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह और वीडियोस भी लेके आऊँगा बहुत जल्द। मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।